हेलो दोस्तों, वलिंदर कौर बैक इन अनदर वीडियो। दोस्तों, आपने सुना होगा कि सबकॉन्शियस माइंड एक गार्डन की तरह है, जिसमें आप कुछ मन चाहा अगर आप वो सीड बोएंगे तो प्रोबेबिलिटी है उसके होने की। बहुत सारे लोग जिन्होंने सीक्रेट मूवी देखी या कुछ ऐसे मूवीज़ देखे, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि बस विश किया और मिल गया, जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक कंडीशनिंग है जो कि बहुत 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 बड़ा रोल प्ले करती है। और इसके अलावा हमारे कर्मास होते हैं, हमारे जो हमने कुछ ऐसे कर्मास किए जिसकी वजह से हमारे आगे वो सिचुएशंस आती हैं। बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो अब कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अगर उन चीज़ों को एक साइड पे रख के हम सबकॉन्शियस माइंड की बात करें, तो यस, उसमें वो सीड डालने बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इमेजिन करें, आपके पास गार्डन है, ज़मीन है, सॉइल है, मिट्टी है। आपके पास दो चॉइसेस हैं, एक तो आप उसमें वो प्लांट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, और दूसरा है कि आप कुछ भी नहीं करते। तो आप देखेंगे कि अगर आप कुछ भी नहीं करते, इसका ये मीनिंग नहीं है कि वहाँ कुछ ना कुछ अच्छा अपने आप हो जाएगा या कुछ भी नहीं होगा। सो दोनों प्रोबेबिलिटीज नहीं है। अगर आप उसमें जो आप चाहते हैं उसके सीड नहीं प्लांट करते, तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसी ही पड़े रहेंगी। क्या होगा फिर? उसमें वीड्स आएंगे। अगर सीड्स नहीं है तो वीड्स आएंगे। वीड्स मीन्स, शायद हिंदी में हम कहते हैं कि बेकार की जड़ी बूटियां जाएगी, जिनकी ज़रूरत नहीं है। सो क्यों ना, जब हम पता चल गया है कि सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप कोई गोल नहीं देते, अगर कोई थॉट नहीं देते, अगर कोई सपना नहीं देते, तो अनचाही चीज़ें आ जाएगी इसमें। वो खाली नहीं रहेगा, खाली रहता है लेकिन वो एक अलग बात है। वो मेडिटेशन स्टेट में जब हम थॉटलेस हो जाते हैं, लेकिन हम डे टू डे लाइफ की बात कर रहे हैं आज मोटिवेशनल वीडियो में। सो इससे अच्छा है कि हम उसको सीड्स दे दें एक उम्मीद के साथ, जैसा हम चाहते हैं। अगर हम किसी फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं तो उसका सीड बो दें। अगर किसी स्पोर्ट्स में या किसी भी तरीके का कोई हमारा पैशन है, कोई हमारी डिज़ायर है, कोई हमारी एजुकेशन है, तो एटलीस्ट उसकी पॉसिबिलिटी है होने की। तो आज से हमें देखना पड़ेगा कि हम उसको खाली मत छोड़ें। अगर नहीं कुछ डालते तो इसका ये नहीं मतलब कि कुछ भी नहीं होगा। जड़ी बूटियां ऐसी हो जाएंगी जिसको हम नहीं चाहते। सीड्स नहीं डालेंगे तो वीड्स ग्रो हो जाएंगे, और हम वीड्स नहीं चाहते। सो आप भी कोई किसी चीज़ को ले लें जो आप चाहते हैं, जिसकी आपको डिज़ायर है, पैशन है, तो आप उसका सीड्स अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल सकते हैं। टाइम लगेगा, इट टेक्स टाइम। हम सब डेस्परेट हो जाते हैं, मैं भी थोड़ा डेस्परेट हो जाता हूँ, इम्पेशेंट हो जाती हूँ, लेकिन इट हैपन्स एवेंचुअली, अगर हम कुछ और भी बातों का ख्याल रखते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि बोरी और वो होगा, हो जाएगा, मैनी मैनी अदर थिंग्स, बट एटलीस्ट पहला स्टेप है कि हमें वो सीड्स डालने पड़ेंगे। सो आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो आप चाहते हैं उसके सीड्स एटलीस्ट डाल दें, और फिर धीरे 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 हम उसकी अलाइनमेंट को सीख जाएंगे। दोस्तों, मीन टाइम बी ब्लेस्ड, बी हैप्पी। थैंक यू।